हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। सो हे व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज की WWE से जुड़ी हर बार की तरह कुछ फ्रेश एंड धमाकेदार अपडेट, जहां पर सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे रोंडा राउजी के बारे में, इसके अलावा उनकी WWE के रिटर्न के बारे में जो कि अब हो चुकी है ऑफिशियली कन्फर्म। साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे क्या रहा रीजन जिसके कारण पॉल हेम को बनाया गया चीफ एग्जीक्यूटिव मंडे नाइट रॉ का, और साथ ही साथ आज की फाइनल अपडेट में हम बात करेंगे जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोस के बारे में, इसके अलावा उनकी WWE रिटर्न के बारे में जो कि पहले प्लान कर चुके विंस मैकमैन। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले इस जुड़े में बात कर लेते हैं फॉर्मर रॉ वुमेन चैंपियन रोंडा राउजी के बारे में, इसके अलावा उनके WWE रिटर्न के बारे में जो कि हमें काफ़ी जल्द दिखाई देने वाली है। अगर आपको नहीं पता बता दूं, काफ़ी टाइम से हमने देखा रोंडा राउजी WWE के अंदर दिखाई नहीं थी, और रिसेंटली रोंडा राउजी ने अपने खुद ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इस बात को कन्फर्म की है कि वो प्रो रेसलिंग को काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं मिस, जिसके चलते काफ़ी जल्दी वो हमें फिर से WWE के अंदर रिटर्न करते हुए नजर आने वाले हैं। और ऐसी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि जो बड़ा रीज़न है जिसके कारण रोंडा राउजी रिटर्न कर रही हैं वो रीज़न है पॉल हेमन। पॉल हेमन इसलिए बड़ा रीजन है क्योंकि उनके अंडर अब रॉ आ चुकी है और उन्हें रेटिंग्स को करना है बूस्ट, जिसके चलते उन्हें फॉर्मर रॉ वुमेन चैंपियन रोंडा राउजी की जरूरत है, और इसलिए रोंडा राउजी को अपने शेड्यूल में पूरा कह सकता हूं स्केड्यूल में चेंजेस करने की जरूरत है, और इसलिए रोंडा राउजी काफी जल्दी हमें WWE के अंदर रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर कहूं तो पॉल हेमन काफी कुछ चेंजेस कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ में, तो देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या उसका कोई फायदा होता है WWE को या फिर नहीं। लेकिन इसके अलावा बात कर लें आज की हमारी दूसरी अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है पॉल हेमन से। इसके अलावा सिर्फ पॉल हेमन एज जिनको मिला मंडे नाइट रॉ का चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल। अगर आपको नहीं पता बता दूं, पहले हमने देखा पॉल हेमन किस तरीके से ऐसे रूमर्स आ रहे थे दोनों ही जने पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर AEW में जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं यहां पर विंस मैकमैन ने पॉल हेमन को इसलिए चुना क्योंकि पॉल हेमन का जो मन था वो AEW में जा रहा था, और विंस मैकमैन का सोचना यह था कि ऐसा ना हो कहीं जो पॉल हेमन है वो AEW को ज्वाइन कर ले, जो उनका मास्टर माइंड है वो AEW में लग जाए, जिसके चलते AEW कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं इन अपकमिंग फ्यूचर बीट कर सकती थी WWE को, और ऐसा रिस्क विंस मैकमैन बिल्कुल उठाना नहीं चाहते थे, जिसके चलते काफी जल्दी उन्हें एक परमानेंट रोल देना जरूरी था, और इसीलिए पॉल हेमन को मिल चुका है WWE के अंदर एक तरह का काफी लंबे टाइम के लिए एक परमानेंट रोल जो कि ये रॉ के चीफ एग्जीक्यूटिव था। तो देखते हैं क्या पॉल हेमन का जो मास्टरमाइंड है वो WWE में किस तरीके से चलता है, और देखते हैं कितनी ज्यादा रेटिंग बूस्ट होती है इन अपकमिंग WWE फ्यूचर। लेकिन इसके अलावा बात कर लें आज की हमारी फाइनल एंड मेन अपडेट के बारे में जो कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बड़ी अपडेट है, और ये अपडेट जुड़ी है जॉन मॉक्सले या फिर फॉर्मर WWE सुपरस्टार दी लुनाटिक फ्रेंच डीन एम्ब्रोस से। हमने देखा किस तरीके से अभी फिलहाल वो AEW के अंदर कंपीट कर रहे हैं, AEW के दो PPVs को भी ऑलरेडी कह सकता हूँ वो कर चुके हैं कंपीट उसमें कर चुके हैं। और आपको बता दूं रिसेंटली राजन की तरफ से कैसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जो कि एक रेसलिंग ऑब्जर्वर हैं, और उनका कहना यह कि विंस मैकमैन ने ऑलरेडी डीन एम्ब्रोस के रिटर्न को कर लिया पूरी तरीके से प्लान, और ऐसी अपडेट्स आ रहे हैं कि डीन एम्ब्रोस हमें 2020 के रॉयल रंबल के आसपास WWE के अंदर फिर से रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ काफी शॉकिंग चीज होगी, क्योंकि अभी फिलहाल WWE और AEW के बीच कंपटीशन है, और अगर AEW कोई सुपरस्टार हमें WWE के अंदर आते हुए नजर आते तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी बात होने वाली है। और आपको बता दूं रिसेंटली जब डीन एम्ब्रोस से पूछा गया इसके बारे में उनके थॉट्स क्या हैं, उनका कहना यह था चाहे मैं फिर से WWE के अंदर अभी जाना चाहूं मुझे विंस मैकमैन तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उनका कहना यह है वो सोचेंगे कि ये जो सुपरस्टार है वो पूरी तरीके से रिंग था वो मेरे पास फिर से आया है, जिसके चलते विंस मैकमैन की जो दादागिरी है वो और बढ़ने वाली है, जिसके चलते डीन एम्ब्रोस का कहना यह है कि अगर ऐसा कुछ प्लान भी है तो मैं फिर से WWE के अंदर बिल्कुल जाने वाला नहीं हूं। तो यहां से दो बड़ी चीजें निकलकर सामने आई हैं, वो ये कि हो सकता है डीन एम्ब्रोस हमें रिटर्न करते हुए नजर आए, और ये भी चीज कि विंस मैकमैन चाहते खुद हैं कि फिर से डीन एम्ब्रोस WWE के अंदर रिटर्न करें। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आप देखना चाहोगे जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोस की फिर से WWE रिटर्न को या फिर नहीं। तो बस यार ये थे एक धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए। अगर इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा सा मजा आए तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे जाकर प्रेस कर दो और बेल आइकन दबा देना, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट जानने को मिलते रहे। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे एक लाइक बटन है उसे जाकर प्रेस कर दो, साथ ही साथ जैसे मैंने कहा आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को और प्रेस कर दो नोटिफिकेशन बेल, ताकि इन अपकमिंग फ्यूचर आपको WWE रेसलिंग से जुड़ी ऐसी फ्रेश एंड धमाकेदार अपडेट डेली जानने को मिलते रहे। तो मिलता हूं आपसे अगली ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।